नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आने वाली 11 तारीख को यानी कि 11 मार्च गुरुवार को महाशिवरात्रि है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव का किस प्रकार से आराधना कर सकते हैं, कौन सी वस्तु उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं, कौन सा मंत्र बोल सकते हैं, और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी राशि के अनुसार, जो भी आपकी राशि है, तो आप अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव के किस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो। देखिए, ध्यान रखिए, मैं आपको आज आपकी जो नाम राशि है यानी जो आपकी राशि है, ज्योतिष साइन है, उसके थ्रू बताऊंगा कि आपको भगवान शंकर के किस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि हर इंसान के लिए जो मैं ज्योतिर्लिंग बताऊंगा वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो उनकी तस्वीर है, उनकी जो फोटो है, उनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको उपलब्ध ना हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ सारी तस्वीर, सारी जो उनकी फोटोज हैं अलग अलग ज्योतिर्लिंग की, वो फोटो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप वहाँ से भी उनके दर्शन कर सकते हो या फिर मार्केट से उस पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग की फोटो भी खरीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव के भी 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि भारत के अलग अलग जगह पर वो स्थित है। आज हम आपको राशि अनुसार बताएंगे कि किस राशि वालों को कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। वैसे तो कोई सी भी राशि वाले इंसान किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से बात अगर की जाए तो एक पर्टिकुलर राशि को एक पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग के अगर वो दर्शन करते हैं इस दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन, तो उसका फल अधिक मिलता है। तो बात करते हैं पहले हम मेष राशि की। तो मेष राशि वाले लोगों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए और उन्हें लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए तथा जल में गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए तथा साथ ही ओम सोमेश्वराय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके करियर और हेल्थ संबंधी परेशानी दूर होती है। बात करते हैं हम वृष राशि की। तो वृष राशि वाले लोगों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए और दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए तथा साथ ही ओम मल्लिकार्जुनाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, साथ ही उन्हें बिल पत्र अर्पित करना चाहिए और गन्ने के रस से उनका अभिषेक करना चाहिए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति शुभ होता है। ऐसा करने से बिजनेस और प्रोफेशन में आने वाली जो परेशानी है वो दूर होती है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए तथा मिश्री मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए, साथ ही रुद्राष्टक का पाठ भी अवश्य करें। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए तथा पानी में गन्ने का रस मिलाकर अभिषेक करना चाहिए, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए जिससे आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होती है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों को भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए और साथ ही आग भांग और धतूरा अर्पित करना चाहिए, जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए जिससे आपके अंदर शांति स्थापित होगी और साथ में स्थायित्व की भी प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। तो तुला राशि वाले लोगों को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, साथ ही जल में बताशा डालकर अभिषेक करना चाहिए तथा सुगंधित इत्र भी भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए और ओम रामेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए तथा साथ ही पंचम रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, बिल पत्र चढ़ाते हुए नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी या मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले लोगों को बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उनका अवश्य दर्शन करना चाहिए तथा गंगा जल में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए तथा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, इससे आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। बात करते हैं हम मकर राशि।
तो मकर राशि वाले लोगों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, साथ ही जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए, और मंत्र की अगर बात करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इससे आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आने वाली जो समस्या है उससे मुक्ति मिलती है। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वाले लोगों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए तथा साथ ही जल से अभिषेक करना चाहिए और शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको क्रोध से मुक्ति मिलती है। मतलब अगर आपको क्रोध बहुत आता है तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी, इससे आपको शांति मिलेगी। बात करते हैं मीन राशि की, तो मीन राशि वाले लोगों को घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए तथा साथ ही चंदन लगाने के बाद भगवान शिव को जल से अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक परेशानी दूर होती है। तो ये थे आपकी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नवेश के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।